हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अब से कुछ घंटे पहले होने वाली एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने अपने सभी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है, जिसमें macOS, iOS, watchOS और tvOS शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं macOS 10.14 की, जिसका नाम macOS High Sierra से macOS Mojave बन गया है। तो macOS Mojave में जो अपडेट्स हुए हैं, उनमें डार्क मोड, डायनेमिक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप स्टैक्स, फाइंडर गैलरी व्यू, साइड बार, मोर पावरफुल क्विक लुक, मोर पावरफुल स्क्रीनशॉट्स, कंटिन्यूटी कैमरा, फोर मोर बिल्ट इन एप्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इनहेंसमेंट और टोटली न्यू डिजाइन एप स्टोर शामिल है। तो डार्क मोड क्या है? तो डार्क मोड, अगर आप अपने पूरे सिस्टम में डार्क थीम यूज करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं। आप अपनी बिल्ट इन एप्स लाइक मेल, मैसेजेस, मैप्स, कैलेंडर, फोटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में लाइट या डार्क थीम लगाकर उसको एक नया लुक दे सकते हैं। ये कोई नया फीचर नहीं है। विंडो 10 और इवन यूट्यूब के यूजर्स डार्क मोड काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आप अपने मैक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनेमिक डेस्कटॉप में वॉलपेपर खुद बहुत सुबह दोपहर शाम चेंज होता रहता है। आपको खुद से वॉलपेपर चेंज नहीं करना पड़ता। अलबत्ता डेस्कटॉप स्टैक एक अच्छा फीचर है, जो कि आपके डेस्कटॉप के तमाम कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। ये एक ही फाइल्स को बाय काइंड, बाय डेट, इवन बाय टैग्स अरेंज कर देता है। यानी आपकी जितनी भी पिक्चर्स फाइल्स होंगी वो एक जगह स्टैक या फोल्डर की सूरत में जमा हो जाएंगी। इस तरह आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी मूवीज खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगी। और अगर आप इसमें किसी भी किस्म की फाइल का इजाफा करेंगे तो वो राइट स्टैक में खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप किसी इमेज को डेस्कटॉप पे कॉपी करते हैं तो वो सीधी इमेजेस स्टैक में ऐड हो जाएगी। आप किसी भी स्टैक पे क्लिक करके उसकी तमाम फाइल्स देख सकते हैं और उनमें से किसी पर भी डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। आप अपने किसी भी स्टैक को स्क्रैप करके उसकी किसी भी फाइल को अपनी मतलूबा एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। फाइंडर गैलरी व्यू, तो ये क्या है? ये आइकन और लिस्ट व्यू की तरह का एक व्यू है, जिसमें आपकी फाइल का बड़ा प्रीव्यू ऊपर की तरफ होता है और नीचे आपकी फाइल्स के आइकन होते हैं। आपने जिस फाइल को भी ओपन करने से पहले उसका व्यू देखना है, उस पे क्लिक करके उसका लार्ज व्यू देख सकते हैं। और इसके साथ न्यू साइड बार का भी इजाफा किया गया है, जिसमें आप अपनी फाइल्स का फुल मेटाडेटा देख सकते हैं और साथ ही क्विक एक्शन के जरिए आप चंद टास्क मजीद आसानी के साथ कर सकते हैं और आप ऑटोमेटिक एक्शन भी क्विक एक्शन के साथ असाइन करके रन कर सकते हैं। मोर पावरफुल क्विक लुक मार्कअप की इंटीग्रेशन से मजीद पावरफुल हो गया है। अब आप क्विक लुक में भी मार्कअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में साइन कर सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी पिक्स को रोटेट कर सकते हैं, इवन अपने वीडियोस को भी क्विक लुक में ट्रिम कर सकते हैं। मोर पावरफुल स्क्रीनशॉट्स, iOS की तरह अब macOS के स्क्रीनशॉट भी मजीद पावरफुल हो गए हैं। आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको मार्कअप लगा सकते हैं, इवन आप अब स्क्रीनशॉट में वीडियोस को भी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी कैमरा, इस फीचर की मदद से आप अपने macOS में अपने आईफोन की मदद से कोई भी पिक्चर खींचकर ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भी स्कैन करना चाहते हैं तो macOS में अपने आईफोन का कैमरा इस्तेमाल करके कर सकते हैं। macOS 10.14 में चार नई बिल्ट इन एप्स भी ऐड कर दी गई हैं, जो कि iOS डिवाइसेस में पहले से मौजूद थी। अब आप इनका इस्तेमाल अपने मैक में भी कर सकते हैं। ये चार ऐप न्यूज, टॉक, वॉइस मेमो और होम है। macOS 10.14 में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को भी मजीद बेहतर बनाया गया है। macOS 10.14 में अब कोई भी ऐप आपकी मर्जी के बिना आपके सेंसिटिव पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा macOS 10.14 में एप स्टोर भी टोटली रीडिजाइन हो गया है। मेटल और ML को भी macOS Mojave में अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस रेड आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि IT से रिलेटेड हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।